अरे सालिया, आजा आजा आजा। अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक मैं ठीक, हूँ। बैठो। चलो बेटा, कैसे आना हुआ आज इतने दिनों के बाद? हाँ, बस आयशा कहाँ है? आयशा इधर ही है। आयशा, आयशा बेटा आना। जी आई अम्मी। और घर में सब खैरियत? जी बिल्कुल। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। आयशा थोड़ा टाइम निकाल के मेरे सुफियान को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। लेकिन सुफियान तो कहीं और ट्यूशन पढ़ता है ना? हाँ जाता था, लेकिन अब इनके बाबा का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब सुफियान को मैंने वहां से उठा लिया। आयशा के पास कहाँ टाइम है, जॉब पे जाती है, रात को इतना लेट आती है, और आके फिर वो मानूर को थोड़ा सा पढ़ाती है। चले आप एक काम करें, आप भेज दीजिएगा सुफियान को, मैं आधा घंटा निकाल के इसका होमवर्क फिनिश करवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद थी आप इनकार नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें, कल मैं सुफियान को आपके पास भेज दूंगी। अरे चाय पी के जाओ ना, इतने दिनों के बाद आई हो। अभी रहने दें, कल आऊंगी तो फिर आपके साथ चाय पीऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। क्या हरकत थी मानू, सुफियान के सामने आप चॉकलेट क्यों लाई? आप कहीं और बैठ के भी खा सकती थी ना। क्यों, क्या हुआ? अच्छा अगर आप लाई थी सामने तो आपको सुफियान के साथ शेयर करनी चाहिए थी ना। पर आप ही ओनली वही चॉकलेट थी, अगर तो तुम्हारे को दे देती। बहुत बुरी बात है मानू ये, किसी की महरूमी का ना उसको एहसास नहीं दिलाना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट होती तो आप सुफियान के साथ शेयर कर लेती, पर अगर आपके पास नहीं थी तो आपको उसके सामने नहीं आना चाहिए था ना। कितनी बार समझाया है, लेकिन ये बात आप समझते नहीं हो ना बेटा। घर में अगर कोई आ जाए, आप कुछ खा रहे हो, तो बेटा मिल बांट के खाते हैं। मानो मैंने आपको ये बात कितनी दफा बताई है कि पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। तो मजहब तो हमें ये तक सिखाता है कि अगर आप फ्रूट लेकर आ रहे हो तो आप पड़ोसी के घर भिजवाओ, लेकिन अगर आपके पास इतने फ्रूट्स नहीं है कि आप नहीं भिजवा सकते तो उसका छिलका तक बाहर ना फेंको, ताकि पड़ोसी के बच्चों की नज़र उस पर ना पड़े और उनको ये एहसास ना हो कि उनके पास वो चीज़ नहीं है। आपको समझ आ रही है मैं आपको क्या कह रही हूँ? और क्या अभी, अब मैं कभी नहीं करूँगी, I promise। अभी मैं एक काम करती हूँ कि मैं दो चॉकलेट्स मंगवाती हूँ, एक एक्स्ट्रा आपके लिए और एक आपने सुफियान के घर जाके सुफियान के हाथ में देनी। ओके ओके, थैंक यू। गुड गर्ल। बेटा मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं अम्मी आप पीजिए, थैंक यू।